सहारनपुर जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश योगी सरकार द्वारा इन दिनों मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत सहारनपुर की प्रशासन द्वारा भी मदरसों का सर्वे कराया गया है। सर्वे में सहारनपुर के 306 मदरसे और गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। गैर मान्यता मदरसों की लिस्ट में विश्व विख्यात इस्लामिक शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद का नाम भी शामिल है। दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन यूपी मदरसा बोर्ड में नहीं है। दारुल उलूम देवबंद बिना सरकारी सहायता के चंदे से संचालित किया जाता है। दारुल उलूम देवबंद का रजिस्ट्रेशन 1867 सोसाइटी एक्ट में कराया गया है। इसके अलावा जिले में 754 मदरसे हैं जो मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित किए जा रहे हैं। देखिए, जिला सहारनपुर में टोटल 5 तहसीलें हैं, जिसमें टोटल गैर मान्यता प्राप्त मदरसा जो है 306 ट्रेस हुए हैं, जिनकी सूचना निर्धारित प्रारूप पर सूचना जो है शासन को भेज दी गई। अच्छा, बता जा रहा है कि देवबंद भी गैर मान्यता जी, दारुल उलूम भी गैर मान्यता प्राप्त है। हमारे यहाँ से मदरसा बोर्ड से उसकी जो है मान्यता नहीं है। मदरसा बोर्ड से मान्यता न होने से बस ये है कि उनको विभाग में जो योजनाएं संचालित हैं, जैसे स्कॉलरशिप हुआ, आधुनिकरण के तहत जो 3 टीचर दिए जाते हैं उनकी सैलरी जो है विभाग देता है, उन सब योजनाओं से जो है वो लोग वंचित रह जाएंगे। अच्छा, किन किन बिंदुओं पर जांच की गई थी? 12 बिंदुओं का निर्धारित प्रारूप था शासन से, जिसमें कुछ पॉइंट थे, मतलब स्थापना का वर्ष हो गया, फिर संचालित सोसाइटी कौन सी सोसाइटी संचालित कर रही है, मदरसे का नाम क्या है, उनका जो है आय का स्रोत क्या है, इन सब बिंदुओं पर जो है जांच हुई थी। वो जांच जो है भेज दी गई। तो जो गैर मान्यता प्राप्त पाए गए उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई क्या, अभी जो है जिले लेवल थे, समस्त जो है यूपी से मदरसों की सूचना जो है शासन को भेज दी गई है। अब आगे शासन जो भी निर्णय लेगा फिर उस पर जो है कंप्लेंस होगा। अच्छा, एक ये बात सामने आई है कि जैसे कि मदरसे गैर मान्यता है, तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होगी और कितने टोटल मदरसे जनपद में हैं और कितने गैर मान्यता? देखिए, हम अभी जो हमें निर्देश मिला था शासन से, वो हमने करके जो है भेज दिया। आगे जो भी निर्णय लेना होगा शासन स्तर से लिया जाएगा। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।